चलो बनाते हैं बचपन वाले ना जो हम खाते थे ना फ्राइंस वो चलो घर पे रिक्रिएट करते हैं वो भी ना बिना किसी राइस फ्लोर के और मैदा के तो इसके लिए ना आपको चाहिए दो कप चावल है ना ये नॉर्मल जैसे लेफ्ट ओवर बचा हुआ होता है ना वो है ये फिर इसमें ना जैसे दो कप चावल डाला तो एक कप पानी डाल देना और गैस को ना ग्राइंड कर लो अच्छे से फिर इसमें मिलाओ बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक है ना फिर वापस इसे ग्राइंड कर लो फिर इसे उसे तीन पार्ट में तीन पार्ट में डिवाइड कर दो है ना वो आपकी इच्छा है मतलब आप जैसा कलर वगैरह चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो है ना आप सिंपल बना सकते हो यार कौन कहता है कलर डालो <laughs> नॉर्मल बना लेना है ना मैंने एक में डाला है ग्रीन कलर और एक में ब्लू डाल दिया और एक में पिंक डाल दिया है ना फिर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया ब्लू तो यार मतलब कहाँ ही देखा होगा <laughs> मतलब फ्राइम्स और ब्लू तो शायद से नहीं आते होंगे ना पता नहीं है तो फिर है ना कोई भी ऐसे पॉलीथिन में इसको भर लो है ना दूध की आती है ना तो दूध वाली पॉलीथीन को भी आप धो करके अच्छे से इसमें भर सकते हो और आगे से ना थोड़ा सा छेद करके मन चाहिए डिजाइन बनाओ यार मतलब जो चाहते हो वो बना दो और फिर मैंने ना यहाँ पे कुकवेथ आर वी भी लिख दिया थोड़ा सा चैनल भी आना चाहिए ना इसमें और फिर मुझे याद आया कि मेरे चैनल के बाद में एक हार्ट स्पार्कलिंग वाला तो स्पार्कलिंग तो कहाँ से बनाऊँगी तो मैंने नॉर्मल हार्ट बना दिया और मैंने ना मतलब है ना आपकी बार मैंने थोड़ा सोच समझ के बनाया अमला मैंने थोड़े मोटे मोटे बनाए मैंने पिछली बार पतले बना दिए थे ना तो बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे सूखे और पतले हो गए थे <laughs> तो अब की बार है ना मैंने ठीक ठाक बनाए ताकि ना सूखने के बाद भी जैसे मार्केट वाले आते हैं ना बिल्कुल वैसे लगे तो है ना और देखो मैंने इसको सुखा रही हूँ है ना मैं गई और धूप आ रही थी यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे सुखा दिया आप है ना इसको सर्दी हो गर्मी हो या बारिश के मौसम में भी आराम से बना सकते हो है ना जैसे बारिश के मौसम में धूप नहीं निकली ना तो पंखे के नीचे भी है ना जल्दी सूख जाता है पंखे के नीचे कम से कम एक दिन तो आराम से लग जाएगा और धूप में ना ये चार पाँच घंटे में ना इतने मस्त वाले सूख जाएंगे ना मतलब ऐसे वाले सूख जाएंगे इसको ना दो मिनट में फ्राई कर लो और ये देख सकते हो सूख गए हैं और ये देखो यार मैंने इसको फ्राई करा बिल्कुल मार्केट वाले लगे ना ये ना मैंने सबसे बड़ा वाला बनाया था <laughs> तो वो मैंने फ्राई कर दिया और है ना बाकी सारे भी ना इतने अच्छे अच्छे फूले थे मतलब इतने अच्छे फूले थे ना कि इसकी तो कोई हद ही नहीं है मतलब देख ही सकते सकता बिल्कुल मार्केट वाले और मेरे को यार यहाँ पे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं निकाल दिया मतलब इनको टाइम ही नहीं दिया तेल में डूबे रहो तुम कोई बात नहीं मतलब कच्चे तो नहीं लग रहे थे अच्छे थे मतलब एक क्या एक तो क्या तेल भी ना इतना ज़्यादा गर्म हो गया था तो रखने भी भाई पाप हो गया मतलब पाप ही है मतलब उसमें ज़्यादा देर रख दो ना तो बिल्कुल ही वो लाल लाल ही होकर निकलते फिर <laughs> तो कोई बात नहीं मैंने ना हल्के हल्के से इसको निकाल लिए और ना इतने अच्छे थे ना ये रिंग्स वाले तो ना मज़ा ही आ गया मतलब डिज़ाइन भी अच्छी है रिंग्स वाले भी आई थिंक मिलते हैं मार्केट में ना और इसकी आवाज़ सुने यार लग रहे हैं बिल्कुल मार्केट वाले तो ये ट्राई कर सकते हो ना बहुत ही सी रेसिपी है घर पे चाहिए तो बनाओ यार घर पे खाओ ना शुद्ध